आज मेरे होम टाउन पे और मेरे अजीज मित्र चहल, जो कि सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं मेंस T20 फॉर्मेट में, और साथ ही में 360, हमारे 360, जो उनका आज नया रूप देखने को मिला। तो आइए हम दोनों से मुलाकात करते हैं और इनसे जरा गपशप करते हैं। मुलाकात तो कर ले। हाय। फुल प्रेशर में। तो पहला क्वेश्चन मैं चहल से पूछना चाहूंगा। सॉरी सूर्या भाई, नहीं कोई बात नहीं। आप लोग मैं चहल, आप T20 फॉर्मेट में ज्यादा विकेट ले चुके हैं मेंस में, तो आप कैसा फील कर रहे हैं अभी T20 लास्ट जैसा T20 मैच हुआ है उसके बाद आप कमबैक किया यहाँ पे आके, जिस तरह से बॉलिंग की दो ओवर आपने लाजवाब डाले, तो क्या फीलिंग है आपकी? अच्छा फीलिंग होता है जब भी आप इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं और किसी भी फॉर्मेट में आप हाईएस्ट विकेट लेते हैं, तो एक सोचा नहीं था कि जब T20 में आया तो ऐसा होगा, बट काफ़ी अच्छा लगा। बट हाँ, बट एक चीज़ और, आपने फ्लाइट ज़्यादा नहीं किया, जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपने की नहीं, और तो उसके बारे में क्या कहना है? डेफिनेटली मैंने पहला बॉल डाला टर्न के लिए, जो टर्न हुआ तो मेरे माइंड में था कि जिस हिसाब से ये विकेट है कि मेरे को बाउंड्रीज नहीं देना है, एक भी चांस नहीं देना है। अगर मैं यहाँ पे चार ओवर रन के ओवर भी डालते हैं तो आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे को पता था कि इस विकेट पे अगर 110-120 बनता है तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो मेरा आज यही था कि मैं ये पावर में डाल रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं बाउंड्री ना दूँ, इसको मैं ओवर आउट कर और दे, नहीं अब मैं इधर से अब सूर्य भाई की तरफ, पहले उनको पूरा जवाब तो देने दे, उसके पहले अपने सारे सवाल लाते जा रहा है, क्योंकि फटाफट कर रहा है ना अभी। फटाफट नहीं यार, टाइम है हमारे पास, मैं यहां से मैं ले लेता हूं, नहीं तो यहां से मैं ले लेता हूं। आप स्पेशली नहीं, पहले आप सूर्य भाई, अरे रुको तो डन आने, अब अच्छा आप एल टीवी आ गया है, ठीक है अब तुम निकल गए, अपना हो गया, मतलब ये नहीं कि तुम डोमिनेट करोगे, कमाल तो खिला ही नहीं है, ठीक है। तो चैट डीवी में हमारे साथ दोनों हैं, धुरंधर जो इनका एक स्पेशलिस्ट है एक बॉल डालने में जो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ती है और सीधा ऑफ स्टंप पे लगती है। आई थिंक ये चौथी पांचवी बार हो गया है, क्या आप ये बॉल प्लान करते हैं या हो जाती है? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं करता हूँ, बट जैसा विकेट था आज तो इनकमिंग डिलीवरी उतना खेलना मुश्किल था, तो क्योंकि स्पेस की वजह से टाइम कम मिल रहा था बैट्समैन को, अगर पीछे गया तो इतना अच्छा घूम रहा था तो उसका यूज़ किया और थोड़ा पेस अच्छा कर रहा था, पेस वेरी कर रहा था ज़्यादातर। हाँ, जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फ्लाइट नहीं कर रहा था, उतना फ्लाइट नहीं दिया क्योंकि विकेट ऐसा डिमांड नहीं कर रहा था, थोड़ा पेस चाहिए था विकेट में, तो उस तरह से बॉल पकड़ के डाल रहा था। वेल बोल्ड, थैंक यू। तो आज हमारे से जो एक 360 हैं, जो एकदम शांत हैं थोड़े से, जैसे आज विकेट पे थोड़ा सा सेंसिबल थे, वेरी वेल प्लेड यार, मतलब एक थोड़ा डिफरेंट देखने को मिला, क्योंकि मैं आपका 11-12 साल से आपको देख रहा हूँ, पर ये एक स्पेशल इनिंग थी आई थिंक मेरे को, जो लगा कि आप 30 बॉल में 70 ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक चाहिए था, तो क्या माइंडसेट है? विकेट इतना इजी नहीं था क्योंकि हमने बॉल डाला और आपने फील्डिंग भी किया तो आपने देखा, लेकिन आप एक टाइम भी मुझे कुछ प्रेशर में लगे नहीं, काफ़ी काम लगे, ऐसा नहीं था कि कुछ ओवर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो माइंडसेट कैसा था आपका? आई मीन माइंडसेट एकदम क्लियर था, पता था विकेट डिफिकल्ट है और किसी को लास्ट तक खेलना बहुत ज़रूरी होगा एक एंड से, और पार्टनरशिप, छोटी छोटी पार्टनरशिप करनी बहुत ज़रूरी होगी, और वो सिचुएशन को एक्चुअली अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी था वो टाइम पे, क्योंकि मुझे पता था कि जो नॉर्मल में नॉक्स खेलता हो वो विकेट से एकदम अलग विकेट है ये वाली, और मुझे ऐसा पता था कि अगर मैं वो विकेट पे लास्ट तक खेल जाऊंगा तो अगर लास्ट ओवर में भी मैच जारी है तो मैं निकाल लूंगा वहां से मैच, इतना कॉन्फिडेंस था मुझे। और वॉशी के आउट होने के बाद जब भी हार्दिक बैटिंग करने के लिए आया तो वो टाइम पे हमारा कॉन्वर्सेशन एकदम सिंपल था कि आराम से गेम को चलाते हैं, लास्ट तक लेके जाते हैं, क्योंकि लास्ट में गेम इधर उधर कहीं भी होगा तो हम लोग जिता देंगे ये वाला मैच, तो ये कॉन्फिडेंस आया, वो वाइब आई मुझे उससे जब वो बैटिंग को आया अंदर, तो पता था सिचुएशन में एकदम काम रहना है, एकदम कूल रहना है और लास्ट तक लेके जाना है, और वही किया हम लोगों ने। लास्ट दो बॉल 3 रन तो थोड़ा सा वो रहता है कि अरे मिस हो गया, या वो क्या ऐसे थॉट माइंड में आया कि आप, हमें तो पता था कि हमारे स्काई लग रहा था कि अभी चौका आ रहा है बट पर लेकिन मुझे भी लग रहा था लास्ट की 2 बॉल्स पे, मतलब माइंड में क्या चल रहा था कि मैं अगर मुझे मिलता है तो मैं चौका ही मारूंगा या मैं नहीं, वो टाइम पे एक्चुअली कॉन्फिडेंस तो था ही, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक दूसरे से ये बात कर रहे थे कि किसी की एक हिट लग गई तो मैच खत्म है यहाँ पे, क्योंकि 4 ही रन 5 रन चाहिए थे, एक बाउंड्री या मैक्स कहीं गैप में चले जाता 2 रन आते तो गेम और क्लोज आ जाता था, बट कभी हम लोग वो टाइम पे पैनिक नहीं हुए, क्योंकि वो टाइम वो भी इतने एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो मेरे से इतना बात कर रहे थे वो टाइम पे, तो उनका मेरे से बात करना जब मैंने एक बॉल मिस की और उन्होंने जब एक बॉल मिस की और मेरा उनसे बात करना, वो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था वो टाइम पे, वो कम्युनिकेशन की वजह से सिचुएशन और काम हुई,
और हम लोग मैच जीत गए। जैसे ये इनिंग थी कि मतलब जैसे आप खेलते 370 वो मैंने आपको अलग सिखा, लेकिन ये इस विकेट पे जो आप जो पूरा आपने मुझे अडैप्ट किया, मेरी बैटिंग पे अडैप्ट किया कि भाई देखो मेरी रेड बॉल वाली वीडियो देखी थी ना न्यू ट्रॉफी की। एक्चुअली जैसा आपने मुझे लास्ट सीरीज में सिखाया था, लास्ट T20 सीरीज में, मैंने वही ट्राई किया आज करने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे और सिखाएं थोड़ा बैटिंग की, और मैं कैसे कर सकता हूँ और अच्छा और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। व्यूअर्स ध्यान दीजिए प्लीज, ये यहाँ पे मजाक में मत लेना, बैटिंग कोच है भाई, सब सिखाता है ये मुझे, बॉलिंग कोच भी है, घुस रहा है जबरदस्ती और बट बहुत अच्छा लगा। आई मीन ये विन बहुत इंपॉर्टेंट था और डिसाइडर में जाएंगे और मजा आएगा अहमदाबाद में। सो कीप सपोर्टिंग, कीप चीयरिंग और बहुत मजा आया ये क्राउड के सामने खेलने के लिए। पिछली बार मैं यहाँ पे आया था, अनफॉर्चुनेटली खेल नहीं पाया था क्योंकि मैं इंजर्ड हो गया था, बट यहाँ पे आने के बाद बहुत मजा आया, अच्छा सपोर्ट था पूरा। और देखिए आप अभी भी सुन रहे हैं, बहुत मजा लग रहा है मुझे मेरा नाम सुन के। आई मीन लोकल बॉय ये है, ये सूर्या के टिकट वाले हैं, ध्यान रखना। लोकल बॉय हमारे कुलदीप यादव है, यहाँ के यूपी से खेलते हैं, बट अभी तक कबाब वगैरह कुछ नहीं खिलाए हैं, बहुत मजा आया, बहुत जल्दी वापस आएंगे ये स्टेडियम में खेलने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो चैनल टीवी आपको वापस मिलेगा अहमदाबाद में सीरीज डिसाइडर में, और आई होप कुलदीप आप एटलीस्ट हमारे लिए कबाब ऑर्डर कर दें, आप लखनऊ से। मैंने डन कर दिया, पहले से कर दिया, कल का लंच कबाब डन है। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।